बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुनियादी तौर पर बड़े आज़म अमेरिका की सब्ज़ी है। वहीं उसे दरियाफ्त किया गया था। ज़ेर ज़मीन जड़दार सब्ज़ी है। दूसरी सदी कबल हमारे मुल्क में इस सब्ज़ी का तारफ भी न था। बेजवी और लंबोतर साइज़ में आलू दस्तियाब होते हैं। ये पहाड़ी और देसी अलग अलग इकसाम में दस्तियाब है। पहाड़ी मकामात पर उसकी एक ही फसल मार्च ता अप्रैल काश्त होती है, जबकि मैदानी इलाकों में इसकी दो फसलें होती हैं। पहली फसल बहार की और दूसरी खजान की फसल कहलाती है। जनवरी ता फरवरी में बहार की फसल और सितंबर और अक्टूबर खजान की फसल तैयार की जाती है। सब्जियों में मुख्तलिफ विटामिन सबसे ज़्यादा आलू में पाए जाते हैं। इसका मिजाज सर्द खुशक है। आलू जिस्म को ताकत देता है और लागरपन को ख़त्म करता है। अगर जली हुई जगह पर आलू का लेप कर दिया जाए या काट कर रख देना तो दर्द को अफाका हो जाता है। इस मकाम पर आबला नहीं पड़ता और जल्द आराम आ जाता है। आलू तंदूर में डालकर खूब भून लें, फिर इसका छिलका उतारें। वो मरीज़ जिनके पेट में यानी जिगर या गुर्दे में पथरी है, वो आलू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और फिर दिन भर या 4 या 5 शेर पानी पिएं। इंशाल्लाह पथरी रेदा रेदा होकर निकलेगा।